स्वागत आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो भाई फ्री फायर के अंदर एक और नई इवेंट आ चुकी है, मतलब एक टूर्नामेंट आ चुकी है जिस टूर्नामेंट के हमको रिडीम कोड मिलने वाली है और उसमें हमको बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड मिलने वाले। तो भाई वो रिवॉर्ड जो मिलने वाला है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और उनमें से जो चारों रिवॉर्ड मिल रहा है उनमें से कौन सा रिवॉर्ड आपके लिए बेस्ट है। देखो चारों रिवॉर्ड मिल रहा है उनमें से हमको एक चूज करके लेना है, तो भाई दिक्कत आ सकती है आपको चूज करने में। भाई आपको शायद से समझ में नहीं आ सकती भाई कौन सा रिवॉर्ड आपके लिए बेस्ट है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनमें से कौन सा रिवॉर्ड बेस्ट है और फ्री फायर में रेयर आइटम है और आप इसको लेगो तो भाई मैं आपको सकता हूं आप जाके आगे कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा भाई मैं ये लेके गलत ही कर दिया। तो मैं ऐसा कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखकर इस रिवॉर्ड में से कोई भी रिवॉर्ड को लेना है। पहले बात कर लेते हैं ये कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो भाई ये हम 30 जनवरी मतलब भाई कुछ ही दिन के बाद हमको मिलने वाली है, 6 तारीख से मतलब 6 बजे से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा, 9 बजे तक आपको रिडीम कोड मिल गया होगा लाइव स्ट्रीम खत्म होने तक और उसमें से हमको जो रिवॉर्ड मिलेगा तो ये देख सकते हैं यहां पर हमको 3 रिवॉर्ड मिलने वाली है। जो हमको 300 के लाइव वॉचिंग में हमको ये 3 डायमंड वॉल के वाउचर मिलने वाली है, 400 के लाइव वॉचिंग के हमको ये जो फॉक्स का मतलब ये फॉक्स पेट का हमको एक स्किन मिलने वाली है और जो 5 में हमको 3rd में मिलने वाली है ये जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी वाली रिवॉर्ड है पर इनमें से एक को हमको चूज करके लेना पड़ेगा जो कि 500 के लाइव वॉचिंग मतलब 500,000 के लाइव वॉचिंग टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो चूज वन ऑफ द 4 मतलब आपको इन 4 में से कौन सा एक रिवॉर्ड को क्लेम करना है मतलब आपको चूज करना है। तो भाई वो कैसे मिलेगा, तो भाई आपको एक रिडीम कोड मिलेगा जिसके बदले में आपको ये वाला मिलने वाली और ये दोनों रिवॉर्ड आपको डायरेक्टली मिल जाएगा जब ये कंप्लीट होगा 500K का लाइव वॉचिंग। तो भाई उनमें से ये जो 3-4 रिवॉर्ड मिलने वाली है, जो पहला हमको मिलने वाले कैरेट, दूसरे में मिलने वाले पेट, तीसरे में मिलने वाली ये सॉरी गन का स्किन और जो चौथे में मिलने वाले ये इमोट, तो इन चारों में से रिवॉर्ड में से कौन सा रिवॉर्ड आपके लिए सही होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो पहले से शुरू करते हैं जो कैरेक्टर है इसका एलिबिलिटी ये है कि भाई हाल ही में मेरे पास वो कैरेक्टर नहीं है जो कि हमको फ्री में मिलने वाली है तो पर उनमें से उसका कैरेक्टर का एबिलिटी मैं आपको बता सकता हूं और उसका दिखा भी सकता हूं। तो यहां पर होता था मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। तो यहां पर यह बताया गया है कि जब भी आप कोई भी एनिमी को मारोगे तो भाई उस एनिमी का जितना भी जो टीममेट होगा उनका सारा का सारा लोकेशन आपको बताएगा और आपके टीममेट को भी बताएगा अगर वो 25 मीटर के आसपास में दूर में हो गया आपके तो भाई उनका चारों का चारों लोकेशन मतलब तीनों का तीनों लोकेशन बताएगा, आपको भी बताएगा, आपको टीममेट को भी बताएगा, कितने टाइम सेकंड के लिए बताएगा वो तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो भाई पर आपको ये बताएगा इतना जहां तक पता गया है मतलब 50 मीटर तक ये बता सकता है जिसका ये लेवल मैक्स कर दोगे तो आप कोई भी एनिमी को उसका टीम कोई भी एक बंदे को मार दोगे वो 50 मीटर के दूर में होगी तो भाई चारों का चारों का तीनों का तीनों का लोकेशन आपको बताएगा, आपके टीममेट को बताएगा। देखा जाए तो कैरेक्टर बहुत ज्यादा सही वाले कैरेक्टर है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवॉर्ड की ओर। तो यहाँ पर हमको जो नेक्स्ट रिवॉर्ड मिलने वाले ये है भाई हमारे फॉक्स पेट। फॉक्स पेट का एबिलिटी ऐसा है कि जब भी आपको भाई मेडिकिट यूज करोगे मेडिकिट यूज करने के बाद आपको जो HP होता है हम मेडिकिट यूज करने के बाद आपको पता होगा HP मिलता है और ये जो फॉक्स पेट को यूज करोगे तो भाई ये आपको 10 HP एक्स्ट्रा दे देगा। जब भी मेडिकिट यूज करोगे ये आपको मेडिकिट यूज करने के बाद वो मेडिकिट तो आपको HP देगा देगा, फॉक्स पेट आपके पास होगा तो भाई ये आपको 10 HP एक्स्ट्रा देगा जब इसका लेवल को मिक्स करो दोगे तो भाई इसका पेट का एबिलिटी यही है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस पेट को मैं लेकर भी कोई फायदा नहीं क्योंकि देखो जितने भी बंदे के पास मिस्टर वेगर पेट है या फिर कोई आजकल के टाइम पे आपके पास कोई भी अच्छा वाला पेड़ नहीं है तो भाई ये पेड़ आपके लिए बहुत सही होने वाली है। पर मेरे पास मिस्टर वगैरह है तो शायद से मैं कोई भी पेड़ को आज के टाइम में ले लूँगा फिर भी मैं यूज़ नहीं करूँगा शायद से। तो भाई मैं ये पेड़ को देखो बता देता हूँ कैरेक्टर बहुत सही वाला पेट है कैरेक्टर है, आपके पास कोई पेड़ नहीं है तो भाई आपके लिए पेड़ भी बहुत सही होने वाली है। पर अभी बात बढ़ देते जो 3rd नंबर के हमको रिवॉर्ड मिलने वाली ये है गन का स्किन। गन का स्किन का ये हमको बहुत बार फ्री में मिल चुका है, एक बार दिवाली में मिला था और एक बार हमको एक रिवॉर्ड में मिला था लाइव स्ट्रीम के रिडीम कोड के जरिए। तो यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट ऐसा है कि भाई डबल डैमेज है, सिंगल रेंज है और मैगजीन का मतलब होता है जो एमओ होता है वो 1 MO कम होगा उसमें भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लॉन्ग रेंज का गन है, लॉन्ग रेंज में आप उतने टाइम पे रिलोड करके मार सकते हो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और डैमेज और रेंज बहुत सही वाली एट्रीब्यूट है और ये गन का स्किन आपको लेना चाहिए क्योंकि देखा जाए तो हमारे गेम के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो भाई बहुत है रेट ऑफ फायर और डैमेज और रेंज उतना ज़्यादा मैटर करता है और नहीं भी करता है, ये लॉन्ग रेंज का गन है तो मैटर कर सकता है। तो भाई आपको ये गन का लेना चाहिए, डबल डैमेज और बहुत सही वाला गन है ये, मुझे मेरे पास तो नहीं है पर मेरे दोस्तों के आईडी में ये बहुत बार फ्री में मिल चुका था, उनमें से लिए थे वो सारे बंदे तो उनमें से मैंने चेक किया था बहुत सही वाले गन है, बहुत ही अच्छा वाला डैमेज बढ़ता है एनिमी के ऊपर और बहुत ज्यादा रिकॉइल भी नहीं करता ये एक वाला स्किन। तो भाई ये गन को ले सकते हो। बात रही हमारे लास्ट रिवॉर्ड इमोट के बारे में, तो भाई इमोट आपको मैं बताऊंगा, आपके पास देखो कोई भी इमोट नहीं है तो भाई आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बुरा बोल रहा हूँ, आपके पास इमोट नहीं है तो ले सकते हो, मैं बताऊंगा भाई मत लो क्योंकि इमोट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता आज के टाइम पे। देखो आपको बहुत सारे ऐसे इमोट मिलता जाएगा, गोल्ड में मिलेगा और बहुत सारी चीजें आएगा, आपको इमोट फ्री में हर एक इवेंट में एक दो मिल जाता है, अभी हाल ही में नहीं मिल रहा पर हर एक इवेंट में हमको मिलता था और मिलेगा भी। तो इमोट को मतलब इन तीनों में से रिवॉर्ड को देखो आपके पास, देखो कैरेक्टर को लोगों तो भाई कभी ना कभी यूज करोगे, पेट आपके पास कोई भी पेट नहीं है मतलब जो भी पेट का एट्रीब्यूट है तो भाई ये पेट को ले सकते हो, बहुत सही वाली पेट है। और अभी बात कर लेते एक का स्किन को लेना चाहिए फिर नहीं, एक का स्किन का आपका कोई भी एक का स्किन नहीं है मतलब लिटरली कोई भी एक का स्किन नहीं है तो भाई ले सकते हो, आपके पास कोई भी ऐसा एक का स्किन है जिसमें आपको अच्छा खासा मतलब
जो एबिलिटी होता है, एट्रीब्यूट होता है, वो देखने को मिल जाती है। तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो मेरे पास भाई एक विंटरलैंड की जो कि हमको फ्री में मिला था, जिसमें डबल डैमेज है और उसमें भी वही डबल डैमेज है। तो भाई मैं नहीं लूँगा एक एक का स्किन, मैं लूँगा तो भाई लूँगा एक कैरेक्टर लूँगा और पेड़ तो बता दिया मेरा क्या चला है। मतलब देखो मेरे पास मिस्टर वेगर है और जितने की बंदे के पास आज के टाइम में मिस्टर वेगर है और या फिर बिस्टो पेड होता है जो कि ग्रेनेड फेंकने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, शायद से वो बंदे नहीं लेने वाले। क्योंकि देखो आज के टाइम पर वो कैरेक्टर जिस जिसके पास है ना भाई, वो पेड को छोड़कर और कोई भी पेड को यूज़ नहीं करते, तो भाई लेने का क्या फायदा है। तो भाई आपको देखो आपके पास कैरेक्टर कोई भी अच्छा वाला नहीं है तो ले सकते हो, कैरेक्टर का एबिलिटी बता दिया। पेड आपके पास कोई भी डायमंड वाला पेड नहीं है तो भाई ये भी आपके सेकंड चॉइस में आने वाली है। और गन का तो भाई फास्ट में रखो क्योंकि हमारा फ्री फायर गेम है पूरा पूरा, मतलब आपकी देखो अभी नुआ नुआ गेम आयो भाई, ये गन का स्किन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले क्योंकि हमारा गेम पूरा पूरा ऐसा हो चुका है। गन का स्किन आपके पास है तो भाई आप जीतोगे, नहीं तो भाई आप हारोगे, ऐसा सिचुएशन है। तो भाई गन का स्किन को आप प्रायोरिटी पहले देना है, मतलब आपको ये पहला आपको चूज होना चाहिए, उसके बाद जाके भाई पेड आएगा, बस कैरेक्टर आएगा। कैरेक्टर पेड इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है पर गन का स्किन उतना ज़्यादा तगड़ा है। तो भाई मेरा मानो तो भाई एक का स्किन नहीं है कोई भी अच्छा वाला, एक का स्किन ले लो और कुछ की ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और ट्राई करो कोई उस दिन भाई जाके एक बार, मतलब जब भी शुरू हो जाए ना 6 बजे जरिए डायरेक्टली चले जाओ ताकि भाई लाइव स्ट्रीम का जो वॉचिंग है वो कंप्लीट हो जाए पूरा। तो पहले जाओ या फिर तो एंड में जाओ, उन टाइम में क्या होगा भाई सारे के सारे बंदे एक साथ में जाएंगे तो भाई पूरा लाइव स्ट्रीम का जो वॉचिंग है वो कंप्लीट होने के ज़्यादा चांसेस होती है। तो भाई ट्राई करो कंप्लीट करने के लिए ताकि हमको ये रिव्यू मिल सके। तो भाई आई होप आज के वीडियो आपको अच्छा लगा, जो भी पेड और जो भी कैरेक्टर मुझे सही लगता है मेरे ख्याल से, तो भाई मैंने आपको बताया, मैंने कुछ गलत ही बता दिया तो भाई कमेंट से बता सकते हो। तो भाई उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप अच्छा लगा तो लाइक करना, जब भी पहली बार सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी मध्य, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।